खान साहब बताएं कि आवाम को अब तक कौन से रिलीफ दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने वाले साहब, ये तो बता दो, लोगों को कहते थे कि तुमने 5 साल में 7,000 अरब, हम पे इल्ज़ाम ये है कि हम 7,000 से लेके 13,000 अरब कर्जा हमारे दौर में हुआ, 6,000 अरब का कर्जा बढ़ गया। ये आपके स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 8 साढ़े 7-8 महीने में 3,300 अरब रुपए के कर्जे लिए गए, और अगर इससे कर्जे अदा हुए हैं तो फिर आपके ओवरऑल कर्जों में कमी होनी चाहिए ना, ये तो पेमेंट हो गई ना, तो ओवरऑल कर्जा या वहां रहे या उसमें कमी हो, ये तो कौम को बताओ कि ये क्या है। हम तो 7-5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी का शिकार मुल्क थे, हमारे दौर में तो आलमी मंडी में कसाद बाजारी थी, रिसेशन था, वर्ल्ड रिसेशन, हमारे दौर में तो 2 बड़े फ्लड आए थे, हमारे दौर में तो दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, आज तो एक स्टेबल पाकिस्तान आपको मिला है। आप कौम को बताओ तो सही, अब करने क्या जा रहे हो।